संख्या 383 उत्तर मेरे पास आ गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हर वर्ष मोहर्रम तो डाली जाती है पर उसे रोलर नहीं चलाया जाता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अगर जिस तरीके से मोहर्रम डाले उसमें रोलर भी चलना चाहिए ताकि आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं हो। प्रश्न दूसरा मेरा यह है कि रणथंभौर भी नेशनल पार्क है, सरिस्का भी नेशनल पार्क है, वहाँ गणेश जी के मंदिर में इंटरलॉक टाइल डली हुई है, फिर हनुमान जी के मंदिर में इंटरलॉक टाइल डलाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, जबकि सरकारी मंदिरों के नाम से, गायों के नाम से बनी है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम सरकार से भी निवेदन है, जब मंदिरों के प्रति इतनी चिंता है तो आपको पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ भी सदस्य इंटरलॉक टाइल निवेदन प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने सरिस्का स्थित पांडुपोल मंदिर को लेकर जो प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहूँगा कि गत सरकार में आपकी बैसाखी के ऊपर ही वो सरकार टिकी हुई थी और आप चाहते तो उसमें वो सड़क बनवा सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन में बजट प्रस्तुत किया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर स्तर में वन संरक्षण के लिए पेज नंबर 43 पर प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोर और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ई बस का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से आवागमन के लिए अच्छी साधन सड़क की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त भी करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरिस्का को ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से मुक्त करने और श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरिस्का गेट से टहला गेट एवं पांडुपोल मंदिर मार्ग पर अच्छी गुणवत्ता की ग्रेवल सड़क बनवा करके वहां पर आवागमन में आने वाले श्रद्धालुओं को और जो टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए मैं आपके बीच में सदन के बीच में घोषणा भी करता हूँ। अगला प्रश्न है ये पूसाराम गोदारा।